सुदेश कुमार, मैं लोकतंत्र बचाओ जन आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं और सतपाल जी के साथ में आया हूं। और जिस तरह से पूरे समाज में, युवाओं में खासकर, जो 1 जनवरी की घटना हिंसा हुई हमारे समाज पर, उसको लेकर हम लोग बहुत आक्रोशित हैं। बहुत से बुद्धिजीवी जगह जगह संगठन अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं पूरे देश में, और हम लोग भी उसी प्रोटेस्ट में आए हैं सतपाल जी के साथ में, और हमारे सारे युवा साथी आज यहाँ पर आए हैं। और इस तरह की किसी भी अमानवीय घटना के लिए हम सरकार को जिम्मेदार मानते हैं। केंद्र में भी उनकी सरकार है भगवाधारियों की, और राज्य में भी उनकी भगवाधारियों की सरकार है। तो इसका मतलब यह है कि षड्यंत्रकारी सरकार हमारे मनोबल को तोड़ रही है, हमारे मान सम्मान को तोड़ रही है, हमारे जितने भी धरोहर है, राष्ट्रीय धरोहर है हमारे दलितों, पिछड़ों, वंचितों की, मुसलमानों की, उन सभी को ये नस्त नाबूद करने के लिए सरकार कार्य कर रही है और हम पे अत्याचार करे जा रहे हैं। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे अंदर नीला खून है, वह उबाल मार रहा है, और उसको हम दिखाएंगे सरकार को कि हम भी तुम्हारे सामने सीना चौड़ा करके खड़े हैं। सरकार मनवादी सरकारों को गिराने के लिए आगे भी संगठन आएंगे और भी आ रहे हैं, और इस तरह से हमारी पूरे युवा शक्ति में, जो भीम युवा शक्ति है, जो जगह जगह देश के कोने कोने से इनको सबक सिखाने के लिए आगे आ रहे हैं। संविधान विरोधी सरकार है ये, संविधान की बातें करती, संविधान के पद की शपथ लेती है, संविधान को बदलने की बात कर रही है। तो ये देश गद्दार है, ये सरकार देश विरोधी है। ये भगवाधारी जो चोला पहन के जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, हमारा समाज अब नहीं सहेगा। हर से भगवाधारी जो वस्त्र पहने हैं और चोला पहने हैं, इनको लाने में भी तो आपका ही योगदान रहा है। देखो, हमने जो सरकार बनाई थी सबका विकास सबका साथ के लिए, ये कर क्या रहे हैं? अपना विकास हमारा विनाश कर रहे हैं। अब ये सर लोग हमारे समाज के, जो वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, वो समझ गया है इस सरकार की मंशा सिर्फ और सिर्फ पूंजीवादी को बढ़ावा देना और गरीब को गरीब करने की राजनीति है। हम लोग शिक्षा में जो आज आगे आ रहे हैं, हमारे जो युवक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, इनके पेट में मरोड़ उठ रही है। हमारे शौर्य दिवस को जिन्होंने कलंकित किया है, उसको लेके ये लोग। जी, आपके 132 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और वो अभी तक इस तरीके की, चाहे ऊना कांड हो, चाहे सहारनपुर कांड हो, अभी ये भीमाकोर गाँव हो, अभी तक किसी ने कोई आवाज़ नहीं खोली है। क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्योंकि 131 जो सांसद पार्लियामेंट में बैठे हैं, इनके गले में भगवाधारी और अलग अलग पार्टियों के कुत्तों के पट्टे पड़े हुए हैं। ये नहीं बोलेंगे, पर अब की बार हम इनको सबक सिखाएंगे। जो बाबा साहब ने संविधान में तुम्हें दिया, संविधान के सहारे तुम जो वहाँ बैठे हो, और जो उनके बीजेपी और अन्य दलों के पट्टे गले में डाल के तुम कौकियाब ही नहीं रहे हो, तो आने वाले चुनाव में 2019 में हम सभी युवा बिना कोई राजनीतिक द्वेष से गली गली लोगों को समझाएंगे कि इस भगवाधारी आतंकवादी सरकार को गिराओ, और जो हमारे समाज के लोग जो बिके हुए हैं, उनको भी हम सबक सिखाएंगे कि बाबा साहब ने जो अधिकार दिया था संविधान से, तुम वहाँ गए थे, हमारे समाज की, हमारे अपमान की तुमने बात कही? नहीं कही। इसके लिए हम आगे आएंगे। सुदेश जी, तो आप ऐसे लोगों से आप ये सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं? जब आप सवाल करना बंद कर दिया, जब इस समाज ने, तो ये जो नेता हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो आप जब सवाल करेंगे जब ही तो आपको आंसर मिलेगा। हम सवाल कर तो रहे हैं आपके माध्यम से, हम रोडों पे हैं आज। नहीं तो आप इनको, इनके पास जाइएगा, इनको घेरने की कोशिश कीजिए। अब आज हमने इस तरह सा महाराष्ट्र सदन को घेरा है, आने वाले टाइम में हम इनके जो हमारे दलित सांसद हैं, जो पिछड़े सांसद हैं, हम इनके घरों का घेराव करेंगे बड़ी संख्या में, जहाँ भी ये हैं, और इनको ज्ञापन देंगे, बताएंगे कि आप जिस तरह से हमारे मनोबल को तोड़ रहे हो, हमारे समाज को बेचने का काम किया इन्होंने, ना संविधान को बेचने का काम किया, ये आगे से नहीं होगा।